दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया कि जो इंजरीज है और जो डेथ है एंटीमॉर्टम इन नेचर क्या होती है। इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो इंजरीज हैं वो पोस्टमार्टम इन नेचर क्या होती है। देखिए, पोस्टमार्टम का बेसिकली मतलब समझना जरूरी है। पोस्टमार्टम का मतलब होता है एन एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन और प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद जो भी बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। तो इंजरीज पोस्टमार्टम इन नेचर का मतलब ये हुआ कि जो भी इंजरीज मरने के बाद व्यक्ति को कॉज की गई हैं, इन्फ्लिक्ट की गई हैं, उन इंजरीज को इंजरीज पोस्टमार्टम इन नेचर कहते हैं। वहीं दूसरी ओर लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि इंजरीज एंटीमार्टम इन नेचर क्या होती हैं, यानी कि मरने से पहले जो भी इंजरीज इन्फ्लिक्ट की गई थी जो व्यक्ति मरा है वो इंजरीज एंटीमार्टम इन नेचर होती हैं। ये जो हमारा मेंशन होता है, ये मेंशन होता है ऑटोप्सी रिपोर्ट में या फिर एमएलसी के अंदर कि जो डेथ है या फिर इंजरीज हैं वो पोस्टमार्टम इन नेचर है या फिर एंटीमार्टम इन नेचर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों जो डिफरेंस है, इंजरीज एंटीमार्टम इन नेचर, डेथ एंटीमार्टम इन नेचर या फिर इंजरीज पोस्टमार्टम इन नेचर में डिफरेंस क्या है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।